सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम संदेश कुमार है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में ऑनर्स किया हूँ पिछले साल। ओके, सो आपका कौन सा अटेम्प्ट है? पहला है। पहला अटेम्प्ट है, ऑप्शनल और मीडियम क्या? ज्योग्राफी। और मीडियम मेरा मेंस का इंग्लिश था, इंटरव्यू मैंने हिंदी में दिया है। ओके, आज अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो, सबसे पहले बताइए इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा रहा है, एवरेज से ऊपर रहा है। ओके, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए, एग्रीकल्चर से, क्लाइमेट चेंज, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से आए, और कोल क्राइसिस चल रहा है देश में, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, ये सारा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे। ओके, जो डैप होता है उससे पर्सनल क्वेश्चंस के क्या? हाँ, डैप में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आया, जैसे मैं बिहार सारण से हूँ, उधर से का क्वेश्चन नहीं आया। ओके, लेकिन क्वेश्चन है, मैंने म्यूजिक लिखा था, संगीत सुनना मेरी हॉबी है, वहाँ से एक दो क्वेश्चन है। ओके, सो क्या पूछा है, कौन सा म्यूजिक, गाना सुनना है? गाना तो हाँ गाना सुनना, लेकिन गाना नहीं पूछे, और पूछे कि 1970s 1980s में जो गाना आते थे और आज के गाने में क्या अंतर है, तीन अंतर बताइए, तो मैंने बताया, तैयार था इसके लिए। ओके ओके ओके, सो बात की जाए, जैसे इंटरव्यू कितने टाइम तक चला आपका? इंटरव्यू 30 मिनट के आसपास। तो क्वेश्चन जो पूछे गए आपके जो एक्सपेक्टेशन थे उसके अकॉर्डिंग रहे, जैसे कि हम आते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कैसा रहा? हाँ, एक्सपेक्टेड ही था, ऐसे स्टार्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल से हुआ, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था, लेकिन फिर भी हैंडल कर लिया, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, ईजी थे। ओके, और बाकी एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। ओके, सो कुछ क्वेश्चन जैसे कि अभी आपने ज़्यादा प्रिपेयर तो नहीं थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते जो नहीं आते हैं, तो उनको कैसे डील करने? चार क्वेश्चन आया ऐसे, तो जो मुझे नहीं आता था मैंने सॉरी बोल दिया उसको, जैसे पूछा कि लिथियम बैटरी है उसको कैसे डिस्पोज करेंगे, तो मैंने नहीं पता था इसके बारे में, तो मैंने बोल दिया सॉरी सर मुझे नहीं पता है। ओके, सो इंटरव्यू जो आप देने आए हो, तो इसके लिए तैयारी कितने टाइम में की थी आपने, जैसे कि मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद की थी, या फिर मेंस देने के बाद की थी, या फिर जब प्रिपरेशन कर रहे थे तभी से? रिजल्ट के बाद ही किया था, रिजल्ट के बाद एक महीने का समय मुझे मिल गया था, क्योंकि रिजल्ट मार्च में आया था, उसके बाद मैंने मॉक दिया, 7-8 मॉक इंटरव्यू दिए, और फिर अपना जो कंटेंट है उसको रिवाइज करते रहा, डेप करते रहा, तो एक महीने में हो गया अच्छा तैयारी। तो अभी आपने मॉक के बारे में बताया, तो मॉक की क्या इंपॉर्टेंस लगती है आपको, सच में मॉक हेल्प करते हैं? हाँ, मॉक ने बहुत हेल्प किया, जैसे कॉन्फिडेंस बनाने में, आज मैं बोर्ड के सामने बैठा तो डर नहीं लगा, और बोलने का जो मेरा हिंदी मीडियम था, जो कि जो लैंग्वेज होना चाहिए, जो वर्ड सिलेक्शन होना चाहिए, उसमें मैंने अच्छा से हैंडल किया, कहीं ना कहीं मॉक से एक्सपीरियंस। अगर आप UPSC इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी रजिस्टर करें अनअकैडमी के लास्ट माइंड प्रोग्राम में, जो कि कम्प्लीटली फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें एक्स ब्यूरोक्रेट होंगे इंटरव्यू पैनल में, जो कि आपको गाइडेंस देंगे। फ्रेंड्स, एक्स IAS ऑफिसर्स लाइक कृष्ण मोहन सर, अमिताभ भट्टाचार्य सर, और तो और असिस्टेंट DU प्रोफेसर सलोनी खन्ना मैम, साथ ही रिटायर्ड IFS गौरी शंकर सर होंगे। फ्रेंड्स, ये जो पैनल है या फिर यहाँ पे जो आपको गाइडेंस दी जाएगी अनअकैडमी के द्वारा, ये सिर्फ गाइडेंस ही नहीं होगी, साथ ही साथ आपको एक वैल्यूएबल फीडबैक भी दिया जाएगा, और तो और आपके डैप का भी एनालिसिस दिया जाएगा, जिससे आप अपने डैप को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और इंटरव्यू में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी रजिस्टर करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बात करें जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए। प्रीलिम्स क्या कुछ? प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आप क्या फॉलो करते हो? देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो आपका नोट्स है, कोचिंग का नोट्स है, जो स्टैंडर्ड बुक है, उसका बहुत ही लिमिटेड रखें, और लिमिटेड बुक के नोट्स को ही आप 2 दिन बार रिवाइज करें, प्रीलिम्स से पहले 2-3 टाइम्स रिवाइज करें, और टेस्ट के पीछे ज़्यादा नहीं भागें, 20-25 टेस्ट काफ़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, और हर वीक में एक टेस्ट देते रहें। तो GS के लिए CSET पर थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि CSET 2-3 साल से कई लोग इंजीनियर कई फेल हो गए हैं। ओके, तो CSET पर थोड़ा सुधार करें, मैथ्स रीजनिंग पर ज़्यादा विश्वसनीय है, वहाँ पर प्रैक्टिस करें, कॉम्प्रिहेंशन विश्वसनीय नहीं है, ऐसा करेंगे तो आसानी से कुछ काम होगा। सो कुछ चुनिंदा रिसोर्सेज होंगे, बुक्स होंगे जो प्रीलिम्स के लिए फॉलो करने? देखिए, बुक्स तो वही सब लोग जानते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, NCERT, कुछ अगर पढ़ सके, क्लास नोट्स जो कोचिंग के नोट्स हैं, वो इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, वो सब बहुत अच्छे, उसका रिवाइज करें तो वो भी बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, और बाकी करंट का मैगजीन एक कोई रिफर कर सकते हैं। ओके, सो अगर बात की जाए जैसे मेंस है, मेंस के लिए आप क्या करते हैं? मेंस के लिए जो मेरा नोट्स था उसको मैंने अच्छे से पढ़ा था, रिवाइज किया था, और आंसर राइटिंग मैंने किया मेंस, और जो टाइम मिला था 2-3 महीने उसे मैंने 35-36 सेट आंसर राइटिंग किया था, उससे मेरा लिखने का जो 6 घंटे लिखने का हैबिट था वो अच्छा हो गया, और वो सब बहुत काम दिया, और मेंस को मैं इजीली हैंडल कर पाया।
ओके, सो लास्ट में स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहूँगा? मैसेज यही दूंगा कि यूपीएससी जो है अभी तो वैकेंसीज भी कम आ रही हैं, तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल लाइन पे हो रहा है, क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज हो गया है वो प्लानिंग है, अपने स्ट्रेटजी जो है, बातें आप सबकी सुने, गाइडलाइन सबसे लें, लेकिन अपना एक स्ट्रेटजी होना चाहिए और सिलेबस को बहुत ही कंसाइज रखें, कंसाइज रख के नोट्स मटेरियल को उसको बार बार रिविजन करें और फिर अपना रेगुलर इवेल्युएशन भी करें 15-20 दिन में कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और सही डायरेक्शन में जाने का प्रयास करें तो हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान? मैंने सब कुछ बताया ही है, फर्स्ट सेट में यही है कि जो गलती हमारे सीनियर कर रहे हैं, जैसे सी सेट का मामला है, इस बार ऐसे का पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, तो इनसे आप सब सीखें कि ऐसा किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, इन सब से सीखें, इन सब जगह पर आप सतर्क रहें, और जो सिलेबस को कंसाइज, फर्स्ट सेट में टाइम कम रहता है सबसे बड़ी बात है, तो अपने नोट्स जो है उसको कम रखें, उसको बार बार रिविजन करें, जितना भी हो उस पर कमांड अच्छा होनी चाहिए और थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। तो एवरेज कितने घंटे देते हैं आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? मैंने 8-9 घंटे रेगुलर पढ़ाई किया है। ओके, सबसे तैयारी करना स्टार्ट किया था आपने? 2 साल मैंने रेगुलर 8-9 घंटे पढ़ाई किया है। ओके, सो लास्ट में नए स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहूँगा? नए स्टूडेंट के लिए यही मैसेज होगा, मेहनत करें, अभी जो मैंने बताया इन कुछ बातों को, चाहे जो अपना प्लानिंग रणनीति अच्छे रखें, मेहनत करें, 2-9 और काफ़ी है, तो हो सकता है ऐसा कोई। ओके, थैंक यू सो मच।